सुबह सुबह उठता हुआ एक न्यूज मिला, मुझे लगा थोड़ा इसका ऑफिशियल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। और ये न्यूज अगर सही है तो फाइनली वो क्या प्रोसेस है जिससे आप सभी लोग सीयूटी पीजी 2024 के लिए अपना एग्जाम सेंटर का जो शहर है वो जान सकते हो। तो फाइनली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपके सीयूटी पीजी के फॉर्म में जो भी सिटी चूज किया गया था वो सिटी आपको मिला है कि नहीं मिला है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है यानी सिटी अलॉटमेंट स्लिप या आपके एडमिट कार्ड, ये सभी के एक साथ नहीं आते। आपको अभी मैं ऑफिशियल जब नोटिस दिखाऊंगा तो वहां पे भी ये बात बहुत अच्छे से मेंशन है कि किनका आया है और किनका अभी नहीं आया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सीयूटी पीजी का होम साइट है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही आज सुबह का आया हुआ है, हम लोग इसको क्लिक करते हैं और ये नोटिस ओपन होके आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आज की पब्लिक नोटिस है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि जो एग्जाम सिटी है वो अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी के पोर्टल पे अलॉटेड हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अभी किसका हुआ है, आगे इन लोग बहुत अच्छे से उसको मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस इंटीमेशन स्लिप इन्फॉर्मिंग द कैंडिडेट्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सिटी फॉर टेस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 11 to 15। ठीक है, यानी 11 से 15 के बीच वाले जो हैं उनका फाइनली इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी जस्ट जिस पे हम लोग अभी चेक कर रहे थे उसी पे आपका आ चुका है। लेकिन आपका जो एग्जाम सीटी होता है, जो स्लिप होती है, ये बस आपके संतुष्टि के लिए है। आप प्लानिंग कर लो कि आपको अब इस शहर के ही इर्द गिर्द रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते के टूर पे चले गए, आप घूमने चले गए, या आप उस शहर से काफी दूर हो और आपको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ जाए, तो ये तमाम चीजें जो आपको समस्या बन सकती हैं आपके लिए, तो उन सभी से सहूलियत पाने के लिए आपको अभी बताया जा रहा है। तो फाइनली अब आप जाके जिनका एग्जाम, जिस कोड का एग्जाम इस तिथि के बीच में है, इस डेट के बीच में है, वो जाएं और इस ऑफिशियल वेबसाइट से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, यहां लिखा हुआ है कैसे यूज करना है आपको, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू चेक डाउनलोड द सेम यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और फाइनली अपना डाउनलोड कर लीजिए। अभी ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये बात यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, द एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी इशूड शॉर्टली, यानी अभी एडमिट कार्ड बहुत जल्द आएगा, ये एडमिट कार्ड आपका नहीं है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिस बताता हूं कि एडमिट कार्ड आने में कितना समय लगता है। जिस डेट का एग्जाम है, सपोज किसी का एग्जाम 15 को है, तो उसका जो है 4 से 5 दिन पहले आ जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, कई बार क्या होता है ये लोग स्लॉट बांट लेते हैं कि 15 तक का एडमिट कार्ड अब 4 दिन पहले दे दो, तो हो सकता है कि 15 के पहले का एडमिट कार्ड लगभग 7-8 तक आ जाए या 9-10 तक आ जाए। उसके बाद जो 20 तक का है वो चलो 15 को दे देते हैं और 20 के बाद वालों का जो है वो चलो हम लोग 18 को दे देते हैं। तो जो ये सब चीजें हैं ये आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा कि किसका किसका एडमिट कार्ड आ गया है या किसका किसका सिटी पता चल चुका है, जिससे कि आप लोग पैनिक ना हो। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपडेटेड मस्ट रहना है भाई, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो करके उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। अगर आप पाठशाला को फॉलो करते हो तो इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। जैसे कि अभी आया, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। सो फाइनली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग चैनल को फॉलो भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि मैं आपको जब फर्दर इन्फॉर्म करूं तो आपको पता चल जाए। अब जो बच्चे 15 के बाद वाले हैं, प्लीज आप ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि बस थोड़े ही समय बाद आपका भी आ जाएगा। अब आना शुरू हो गया है, श्री गणेश हो गया है, तो किसी का भी रुकने वाला नहीं है, वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि किसका किस शहर में एग्जाम होने जा रहा है, जिसका जिसका आ चुका है। ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।